सिंह संत सिंगा जी धाम अपनी पत्नी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर निखरा के साथ पहुंचे। यहां दर्शन कर उन्होंने पुरानी हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मामा मामी और अमित शाह के घर पर छापा पड़ा होता तो निकलते हजारों करोड़ रुपए। साथ ही कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा रुपए भाजपा खर्च करती है चुनावों पर, कहां से और क्यों। वही मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर किया जीत का दावा। दिग्विजय सिंह, ओमकारेश्वर और सिंगाजी दर्शन के साथ ही कांग्रेस के रुटे हुए वरिष्ठ लोगों को मनाने भी आए थे, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी नजर आई। विधायक नारायण पटेल ने दिग्विजय सिंह को सिंगाजी दर्शन के बाद आधे रास्ते में ही छोड़कर लौटे। जैसे खंडवा में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। होमेश्वर ठाकरे की रिपोर्ट, मुंदी पुनासा, आज की आवाज। लगा रही है सरकार पर और ऐसे लोग जो है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रही है। मैं इस बारे में विस्तार से अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं इतना पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, 500-500 रुपए मजदूरों को देकर रैलियों बुलाते हैं, एक एक रैली पर करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोई चेक से पेमेंट करते हैं, नोटबंदी से काला धन समाप्त नहीं हुआ, काला धन बढ़ गया। 1000 रुपए का नोट था, अब 2000 रुपए का नोट आ गया। पूरे तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को परेशान किया, कुमार स्वामी को परेशान किया और अब मध्य प्रदेश में परेशान कर रहे हैं। मैं तो केवल एक सवाल पूछता हूं कि रैलियों का पेमेंट, एक एक रैली में आप करोड़ों पे खर्च करते हैं, कोई चेक का पेमेंट करते हैं?